वैष्णवी क्लासेस से प्रफुल्ल सर, आज आपके लिए 2016 SBI जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके दो सेक्शंस सेंटेंस अरेंजमेंट और कॉमन एरर लेके आया हूं इस वीडियो में, जिनको मैं एक एक करके डील करूंगा। पहले सेंटेंस अरेंजमेंट डील करूंगा, उसके बाद कॉमन एरर को डील करूंगा। अगले वीडियोज में मैं रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं क्लर्क के PO उनको मैं डील करता जाऊंगा। तो मैं आपके सामने प्रश्न है, मैं सामने से वीडियो से हटता हूँ, आप क्वेश्चन को पूरी तरह देख ले वीडियो को पॉज करके और देखिए कि आप इसे कितने समय में और कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा, आप क्वेश्चन को प्लीज देख लें। थैंक यू वेरी मच। ध्यान से देखा जाए, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, डी है, ई है और सेक्शन एफ है। यहाँ पे अंसी वाज जस्ट अबाउट टू ईट लिखा हुआ है। अंसी वाज जस्ट अबाउट टू ईट, ये कहानी का शुरुआत नहीं हो सकता है। राइस इज मच बेटर देन कैसवा, ये कॉम्पेरिजन है। अलास वेन ही रिच, पहला नहीं होगा। ही लेफ्ट हिज विलेज, अंसी द स्पाइडर वाज वेरी अनहैप्पी। अभी तक आपने लगभग पूरे प्रश्न को देख लिया होगा और मैं आप इसे बनाने का एक आसान सा तरीका बताता हूं। लगभग पहला लाइन आपके सामने क्लियर है। अगर हम इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह सेक्शन ले लें तो सबसे पहला लाइन सेक्शन ई हमारे पास क्लियर है। ई में लिखा हुआ है अंसी द स्पाइडर वाज वेरी अनहैप्पी। अंसी द स्पाइडर वाज वेरी अनहैप्पी, देयर वाज ड्रॉट एंड ऑल हिज पेपर वेर स्टार्टिंग। भूखे मर रहे थे, शुरुआत है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन सबसे पहले दिया जाता है, तकलीफ आपको नहीं होगी पहला लाइन ई लेने में। अब जरा देखा जाए ई के बाद क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि नाउन के ठीक बाद प्रोनाउन हमें चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड याद किया जाए, नाउन के ठीक बाद प्रोनाउन हमें चाहिए। और अगर सभी में देखा जाए तो प्रोनाउन तो कहीं में दिखेगा, लेकिन सेक्शन डी सीधे ही से स्टार्ट हो रहा है, सीधे ही से स्टार्ट हो रहा है। ही लेफ्ट हिज विलेज टू फाइंड फूड फॉर हिज पीपल, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ था उस, और उसने गांव छोड़ा। एंड हिमसेल्फ आफ्टर वॉकिंग माइल्स एंड माइल्स ही सॉ स्मोक फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास डी है जो क्लियर वे में दिख जाए। अब तीसरा कौन दिया है, तो तीसरा भी अब आपको ध्यान से देखना है। अभी अंसी आने वाला नहीं है, अभी आपको देखना होगा वेन ही और वेन ही, दो जगह ही दिख रहे हैं। कौन सा? अलाश, अभी तक ऐसा कोई भी कार्य हुआ नहीं है जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जाए। जरा गौर किया जाए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे लिया है अलास वेन ही रिच्ड देयर ही फाउंड इट वाज हिज ओन विलेज। इट वाज अपने गांव से चल के अपने गांव कैसे पहुंचेगा, सोचने वाली बात है। मतलब अगला हमारा निश्चित रूप से जो आंसर आएगा वो आएगा एफ, और हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा एफ। ई डी एफ, आपके पास तीन लाइन क्लियर है, ई डी और एफ। अब आपके पास तीन लाइन बच गए हैं ए बी और सी। तो एफ में लिखा है व्हेन ही रिच्ड द ओनली फूड ही फाउंड वाज कैसवा, द कैसवा आस्क्ड अंसी वुड यू लाइक अस, ये कैसवा के पास पहुंचा है, ठीक है। ए में लिखा है अंसी वाज जस्ट अबाउट टू ईट देम, अच्छा देम आया होगा इसके पहले कौन से प्लूरल आया होगा। अगर आप गौर से लाइन एफ को देखें, प्लीज जरा गौर से लाइन एफ को देखा जाए, एफ लाइन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वीडियो को जूम करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिए। तो एफ लाइन के अगर हम अंत में जाए तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है देमसेल्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि वो कॉर्नर चला गया है उसके लिए सॉरी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है देमसेल्व्स। देमसेल्व्स का सीधा पेयरिंग हो रहा है देम से, इट मीन्स अगला हमारा कौन सा हो जाएगा ए, एक लाइन में पेयर है प्लूरल का प्लूरल से। आपके पास बच गया बी और सी। बी में लिखा है राइस इज मच बेटर देन कैसवा, सेइंग दिस अंसी प्रॉपर्ली जर्नीड टू द टाउन ऑफ राइस। व्हेन ही रीच्ड देयर ही नोटिस्ड स्मोक इन द डिस्टेंस, सो ही लेफ्ट द राइस विलेज एंड हेडेड फॉर द स्मोक, ग्रीडली थिंकिंग ही वुड गेट समथिंग बेटर। ठीक है, ध्यान से अंतिम दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। अलास व्हेन ही रीच्ड देयर ही फाउंड इट वाज हिज ओन विलेज, अर्थात पूरा राउंड मार के वो अपने विलेज पहुंच गया है। कहानी यही एंड हो जाती है, अपने विलेज से चलना शुरू हुआ। और दूसरा इतना भी नहीं पढ़ते, अगर हल्का ध्यान मुझे देते, लिखा हुआ है लास्ट में जरा गौर किया जाए, ग्रीड हैड गॉट हिम नथिंग, सॉरी ग्रीड हैड गॉट हिम नाउ हियर, ग्रीड हैड गॉट हिम नाउ, ये शिक्षा है,
शिक्षा या तो कहानी के शुरू में होती है, कहानी के अंत में होती है। हमारा एग्जाम बन चुका है, यहाँ पे बी लगा देना है और लास्ट में सी लगा देना है। सीक्वेंस अपने हम तैयार है, ई डी एफ ए बी सी। प्लीज आप इसे दोबारा समझ लीजिए, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां तक संभव होगा मैं आपको डील करूंगा। अब मैं अगला सेक्शन डील करूंगा इसी सेट का, कॉमन एरर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब तक के लिए वेट करें।